इन दिनों मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर का एक आदेश यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। असल में भिंड कलेक्टर द्वारा चुनाव के समय बीमारी का प्रमाण पत्र लगाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया है। ऐसे में ड्यूटी से बचने वाले कर्मचारियों के अलावा ड्यूटी में असमर्थ अधिकारी कर्मचारी भी इस आदेश से दहशत में है। प्रदेश में इन दिनों पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। त्रिस्तरीय चुनावों के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में लगाई जा रही है। ऐसे में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया है। आदेश के मुताबिक निर्वाचन ड्यूटी से बचने के लिए जो भी अधिकारी या कर्मचारी बीमारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे उनके खिलाफ शासन के नियम के अंतर्गत 20 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जाएगी। अक्सर चुनाव में कुछ कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आदेश से अधिकारियों कर्मचारियों में दहशत है। उन्हें डर है कि अगर वह वास्तव में बीमार पड़ गए और ड्यूटी ना कर पाए तो उनका क्या होगा। कलेक्टर के इस आदेश ने सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह बोर्ड शासन के नियम अंतर्गत ही बीमारी का प्रमाण पत्र जारी करता है। कलेक्टर के तुगलकी फरमान के बाद जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी जगत में हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा इस आदेश का असर उन लोगों पर होगा जिन लोगों को वास्तव में कोई बीमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी प्रदेश। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।